Yo, good morning, good morning, good morning, good morning. Sit down. Sit down, sit down, sit, sit, sit. Good boy, good boy. हाँ ठीक 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 क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। चलो 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 जंपिंग जंपिंग करेंगे। चलो 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 आ जाओ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू टुडेज़ व्लॉग। और वेदर आज तो बहुत अच्छा है। हर दिन मैं रोज़ सुबह बोलता हूँ वेदर अच्छा है, बट आज सचमुच लग रहा है वेदर थोड़ा क्लियर है। बट वेदर तो थोड़ा क्लियर क्लियर लग रहा है, बट पता नहीं बारिश भी हो भी सकती है। बट मैंने आज वेदर फोरकास्ट में चेक किया था तो वहाँ पर तो आज बारिश कोलकाता में होने की कोई संभावना नहीं है। तो बस अभी लियो के साथ थोड़ा खेला था मैं, ये रहा शैतान इधर, और इसके बाद नीचे जाऊंगा मैं, ब्रेकफास्ट करूंगा और उसके बाद फिर देखते हैं आज का सीन क्या है, कहाँ निकलता हूँ मैं। कल बारिश होने के कारण मैं कहीं निकल नहीं पाया, बट अगर आज बारिश नहीं होता है तो फिर मैं जो कल का पेंडिंग वर्क था वो सब करूँगा मैं। तो अभी जा रहा हूँ मैं नीचे, वर्कआउट भी कर लिया, अब जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट करूँगा मैं। मैं नहा लिया हूँ, फ्रेश हो चुका हूँ मैं। गाइस, आज का ब्रेकफास्ट है चपाती और चना दाल का तड़का। नहीं, सो गाइस, आज का ब्रेकफास्ट है चपाती और मूंग दाल का तड़का और प्याज। सो गाइस, मैं ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ और इसमें मैंने जो मूंग दाल का तड़का है उसमें मैंने घी भी डाला है क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो खाना खाने के बाद मिलता हूँ। कलकत्ता के गलियों में आपका फिर से स्वागत है अमन के साथ मोटो ब्लॉगिंग के मोटो ब्लॉगिंग सेटअप पे, बोले तो मोटो जॉकी अमन के साथ। सो गाइस, अभी तो घर से मैं निकल गया हूँ और अभी फिलहाल जा रहा हूँ मैं चांदनी, क्योंकि मुझे कुछ घर के लिए कुछ सामान परचेस करना है। और क्योंकि जैसे कि हालांकि पता है कि अभी बहुत ठंड पड़ रही है, अब कोलकाता में ठंड आ गई है। सबको मुबारक हो मेरी तरफ से, हैप्पी विंटर। तो विंटर के साथ साथ हमें कुछ दर्द भी सहना पड़ता है और वो दर्द है मच्छर। तो यस गाइस, मच्छर बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो बेसिकली हम लोग का जो घर है वो थोड़ा सा डीप में है क्योंकि हमें ग्रीनी बहुत पसंद है। प्रॉपर शहर में तो नहीं है, बट ग्रीनी होने के कारण क्या होता है, अगर ग्रीनी का मज़ा अगर लेना है तो आपको थोड़ा कुछ सज़ा भी लेना पड़ेगा। और सज़ा वो ये है कि हमारे घर के पास बहुत सारे हो गए हैं मच्छर। अब इवनिंग को जब हम लोग बैठते हैं घर में तो बहुत मच्छर काटते हैं, बहुत परेशान करते हैं। तो उसके लिए लेना है कुछ जुगाड़ू चीज़, बोले तो एक बैट और वो इलेक्ट्रिक बैट। आप लोग कभी घर में बहुत यूज़ करते होंगे, मेरे पास भी पहले था, बट कहा जाता है कि ज़्यादा दिन टिकने वाला कोई सामान होता नहीं है। तो एक साल ही पिछले साल ही मैंने लिया था, लॉकडाउन से ही पहले 2018 में लिया था। 2019 में उतना रिक्वायरमेंट नहीं पड़ा, नहीं 2019 में लिया था, 2020 में इतना रिक्वायरमेंट नहीं पड़ा, घर में रहते रहते गिरा पड़ा, उसमें ही ख़राब हो चुका था। तो अभी वो मुझे बैट भी लेना है जिससे मच्छर मारे जाते हैं। और आज खूब कत्ल होगी मेरे हाथों से। अगर आज मेरे को जो बैट चाहिए अगर वो मिल गया तब मेरे हाथ में आज मर्डर लिखा हुआ है। अब वो मर्डर है मच्छरों का, मैं आज लाशें बिछा दूंगा, लाशें। तो गाइस, अभी रास्ते में हूँ मैं, अभी मैं फिलिप्स मोर क्रॉसिंग क्रॉस करने वाला हूँ। हालांकि मौसम तो ओके ओके है, बट फिर मैंने आज एक जैकेट डाल लिया है, विंटर जैकेट डाल दिया है, उसे लेना है। ओ भाई, क्या सिचुएशन, क्या हालत है। मैं तो एक पल के लिए एक सेकेंड से डर ही गया कि अभी ये मेरे बदन के ऊपर ना गिर जाए। गाइस सी, ये एक छोटा छोटा हाथी है, मिनी वैन बोल सकते हो आप। और इसका आप देखो कि कैस कितना अपने से तीन पोजीशन ऊंचा अपने ने सामान लिया है। और इसे लग रहा है कि ये मैं ये हो गया, इसे कितना सामान लिया भैया, अभी टेढ़ा गाड़ी टेढ़ा हो जा रहा था आपका। जिस तरह सामान मतलब झुक चुका था, लीन हो चुका था, मुझे लगा अब वो पलटी खाई जाएगा। और ये गलतियाँ ड्राइवर लोग की होती है गाइस, मतलब कि होता क्या है कि इन लोग एक्स्ट्रा मटेरियल ले अपने गाड़ी में लोड कर लेते हैं, हालांकि उतना लिमिट होता नहीं है, अपने से ट्रिपल लोडिंग करके रखे हैं। अभी ट्रिपल लोडिंग से फ़ायदा क्या होता है इन्हें कि जिसका अगर सिंगल लोडिंग का जो हाइट रिक्वायरमेंट हाइट जो है, अगर उसका इनको 500 चार्जेस मिलता है एग्जाम्पल, तो अभी वो 500 1500 रुपीज़ एक्स्ट्रा लोग कवर कर लेते हैं।
तो एक्स्ट्रा अमाउंट के लिए जान का खतरा तो होता ही है, लोग उठाते हैं। और साथ में साथ लोग ये भी नहीं सोचते हैं कि अगर हम लोग ये चीज़ उठा रहे तो अगर मैं रास्ता में अगर पलटी खा जाऊँ, तो ये अगर इनके बाजू में अगर खड़े रहे दाएँ या बाएँ, अगर उन पे अगर ये गाड़ी गिरा उनका क्या हालत होगा, वो सोचने वाला बात है। और पता नहीं इन लोग कैसे ट्रैवल करते। और मेरे को ये समझ में नहीं आता है, हमारे जो ट्रैफिक गार्ड वाले लोग हैं, लोकल मतलब कोलकाता पुलिस ट्रैफिक गार्ड, उन्हें ये सब क्या नहीं दिखता है क्या सर? आप लोग को ये सब नहीं दिखता? अगर आप कोई भी मेरे सब्सक्राइबर अगर इसमें से है सर, पुलिस में अगर आप लोग है, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ सर, ये क्या रूल है सर? हम लोग अगर बड़ा सामान ले जाए या गाड़ी का पेपर नहीं है तो आप लोग फर्चे पकड़ लेते हो, पर ये ट्रिपल लोडिंग करके ले जाते हैं, कितना रिस्क है, कितना टिल्ट होके जा रहा है ये, तो कोई बोलने वाला नहीं है। पता नहीं क्यों, बोले जाऊंगा तो फिर बोलेंगे भाई अपना काम से मतलब रख, मर जाएगा तो हम थोड़ी जानता हूँ, पड़ेगा लो। सीरियसली भाई, सीरियसली। फाइनली जो बैट के बारे में डिस्कशन कर रहा था मैं, ये रहा वो बैट। और बैट में पोर्टेबल सिस्टम है, मैं दिखाता हूँ, इसे होल्ड करो आप। सो ये जो बैट है इसका मैंने दो पार्टीशन में किया हुआ है। पार्टीशन क्या है कि बीच में से आप इसको खोल भी सकते हो, खोलने से क्या होगा ये टॉर्च पोर्टेबल हो जाएगा और आप टॉर्च के जरिए इसको यूज़ कर सकते हो। और फाइनली इसमें दो लाइट दिया गया है, एक बैक में और एक मिडिल में। और ये रहा वो पूरा फ्रेंच जहाँ पे आप टच करोगे तो एक 24 वोल्ट या 12 वोल्ट का जो इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, जिसके कारण मच्छर मर जाते हैं। चांदनी से निकल के मैंने लिया है चिप्स, वो मिलता है यहाँ पे स्ट्रीट में ही, स्ट्रीट का ये चिप्स है और ये बिल्कुल बहुत ही टेस्टी लगता है गाइस खाने में, तो मेरे को ये बहुत पसंद है, तो मैंने भी ये चिप्स ले लिया। 250 ग्राम का पैकेट है ये और हाफ किलो का पैकेट होता है, बट मैंने 250 ग्राम का पैकेट लिया है। तो गाइस मुझे जो परचेज करना था वो था एक बैट, मॉस्किटो बैट, और एक बहुत ही यूज़फुल एक आइटम लेना था, बट वो अभी मार्केट में जो कंपनी है मुझे चाहिए वो फ़िलहाल अभी अवेलेबल नहीं है। और वो आइटम जो है, वो आइटम है आपका जो गैस सिलेंडर होता है ना, तो आप जब घर में गैस जो यूज़ करते हो, तो मान लो वाइल क्लीनिंग के समय में क्या होता है कि हम लोग जब क्लीन करते हैं तो नॉब टच होने के कारण नॉब घूम जाता है, या आप कभी यूज़ कर रहे हो और आपको पता नहीं हो कि आपकी नॉब ओपन है जिससे गैस लीकेज हो रही है, विदाउट यूज़ वो गैस निकली जा रही है, तो वो एक गैस वेस्टेज से बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि वो बहुत डेंजरस है, बहुत रिस्की हो जाती है। अगर आपकी गैस लीक होती है और उस समय कोई अगर स्पार्क हो गया तो इट्स विल बी अ वेरी 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 डेंजरस सिचुएशन। तो वो सिचुएशन से बचने के लिए एक डिवाइस आता है, वो एक तरह का ऑटोमेटिक रेगुलेटर बोला जाता है, उसे ऑटोमेटिक रेगुलेटर भी मार्केट में मिलता है। उससे क्या होता है कि आप जो अभी जो आप रेगुलेटर लगा रहे हो, ठीक उसके ऊपर एक और रेगुलेटर लगेगा, यानी जो रेगुलेटर मॉडिफाई जो ऑटोमेटिक रेगुलेटर रहेगा वो सबसे पहले कनेक्ट होगा आपके सिलेंडर में, और उसके ऊपर होगा जो आपको बेसिक रेगुलेटर जो प्रोवाइड किया जाता है गैस कंपनी से। तो उसको फिट करने के बाद क्या होगा ना कि जब आप सपोज़ आपकी कोई पाइप की लीकिंग होगी, भले आपकी नीचे से सिलेंडर की नॉब जो है वो ऑन रहेगी, फिर भी गैस लीकेज नहीं होगा, क्योंकि ऑटोमेटिक जो रेगुलेटर है वो सेंस कर लेता है कि ये आपकी मतलब कहीं से लीकेज हो रही है, तो ऑटोमेटिक क्या होगा नॉब फट से ऑटोमेटिक ऑफ में हो जाती है। और गैस सबसे अच्छी बात है, ये जो ऑटोमेटिक रेगुलेटर होती है इसी को बैटरी की ज़रूरत नहीं होती है, ये प्रेशर होल्ड से एक टेक्नोलॉजी है जो एक वाल्व सिस्टम होता है, जब उसे ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होने लगता है उसे समझ में आ जाता है कि ज़्यादा प्रेशर रिलीज हो रहा है, ऑटोमेटिक वो सेटअप कर देता है वो वाल्व को, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है वो, बहुत ही सेफ्टी के लिए बहुत ही मैनिकरी है। मैं गाइस सबको ये बात रिकमेंडेड करूँगा कि आप लोग भी ये घर में ये गैस वाली जो एडेप्टर है, मतलब जो रेगुलेटर है, वो आप लोग ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो, बट ऑनलाइन में बहुत डिफरेंट वैराइटीज़ की मिल रही है, तो सबसे अच्छी वैराइटीज़ जो है जो मैं ऑलरेडी हमारे घर में यूज़ होता है, एक और चाहिए मुझे, तो उसका नाम मैं फ़िलहाल अभी भूला हुआ हूँ, तो मैं जब घर जाऊँगा अभी या मैं जब घर पर रहूँगा तो मैं आपको वो बता दूँगा कि कौन सी कंपनी के रूटर आप लोग को लेनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में बहुत ही तरह की आ चुकी है। और अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, अभी जाना है मुझे एक फ्रेंड के पास,
जिसका एक फोटो स्टूडियो है। मुझे थोड़ा सा कुछ एक डॉक्यूमेंट्री का कुछ काम है और फिर उसके बाद मैं निकलूँगा घर के लिए। घर के बाद मुझे फिर से एक जगह जाना है। आज एक इवनिंग को हमारी इन्विटेशन भी, मेरा एक फ्रेंड का शादी है जिसमें मैं अपनी बेटी के साथ और अपनी वाइफ के साथ मैं जा रहा हूँ, तो वहाँ भी चलेंगे। रात का आज प्लान यही है कि हमें एक रिसेप्शन पार्टी में जाना है। सो गाइस, निकल गया अभी मैं अपने फ्रेंड के शॉप से जिसका डिजिटल का मतलब जिनका स्टूडियो है, फोटो स्टूडियो है, तो वहाँ से मैं जस्ट निकला और हम लोग ने एक प्लान बनाया है। मतलब कि मैं एक प्लान कर रहा हूँ कि थोड़ा सा चीप करूँ। नियरेस्ट हमारे घर से यानी कि वही 150 या 200 के दायरे में, यानी टोटल राउंड अबाउट होगा आपका 300 किलोमीटर्स। तो हम लोग ने एक प्लान बनाया है, तो वो प्लान ही डिस्कशन करने के लिए मैं अभी गया था अपने फ्रेंड विकी के पास। तो हालांकि अभी उसका तबीयत ठीक नहीं है, तो उसने मुझे बोला कि इस वीक तो नहीं होगा, अगले वीक में हम लोग कुछ प्लान करेंगे और जो नियरेस्ट जो हमारा डेस्टिनेशन होगा वहाँ जाएंगे और आप लोगों को बता दूंगा मैं कहाँ जा रहा हूँ। अभी सिर्फ हम लोग 2-3 जगह का प्लान किए कहाँ जाना है। और हाँ गाइस, ये वाली ट्रिप जो अभी मैं अपने फ्रेंड के साथ करूँगा, ये ट्रिप वो ट्रिप नहीं है जो मेरा बकेट लिस्ट में है। वो ट्रिप मैं अपने मैं अकेला और मेरे भैया, मेरे भाभी और मेरा 2 नेफियो के साथ हम लोग जा रहे हैं। तो वो ट्रिप अलग है, वो ऑलमोस्ट क्रिसमस के समय होगा। लोग अगर मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करते हैं तो मुझे पता है कि मैं इंस्टाग्राम में अपडेट नहीं देता हूँ, बट मैं अब से इंस्टाग्राम में भी अपडेट देने लगा हूँ कि मैं आपको लाइव अपडेट मिलते रहेगा कि मैं कहाँ पे हूँ नहीं हूँ। तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करें। मेरी लाइव लोकेशन जानने के लिए इंस्टाग्राम फॉलो नहीं करना है, बल्कि आपको वहाँ पे बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन फ़ोटो और वीडियो रील्स मिलेंगे इंस्टाग्राम पे, जिसे आप देख के आपको अच्छा लगेगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना और डायरेक्ट आप DM भी कर सकते हो मुझे पूछने के लिए कि ये डेस्टिनेशन कहाँ पे है, और जो मेरे रील्स होंगे और आपको रील्स पसंद आया हो तो मैं भी बता दूंगा कि आपको रील्स कैसे बनाया जाता है। तो ट्यूटोरियल तो मैं नहीं दूंगा, बट एक शॉर्ट बता दूंगा कैसे मैंने बनाया और कैसा लगा। आप अपने फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। सो गाइस, मैं पहुंच चुका हूं अपने घर। ऑलमोस्ट यहां से सिर्फ 0.5 किलोमीटर्स है। तो अब शाम का क्या सीन है वो मैं लंच करने के बाद ही बताऊंगा, और अगर मैं चाहता हूं तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को भी ले चलूंगा। तो अभी का सीन है कि मैं घर पहुंच गया, अब मैं डायरेक्ट मिलता हूं आपको अपने लंच टेबल पे। 3 hours later. मैं हो गया हूं बिल्कुल रेडी और अभी जा रहा हूं मैं अपने एक फ्रेंड के साथ ही में, मेरी वाइफ और मेरी बेटी। तो अभी वो जो शादी है वो सॉल्ट लेक की तरफ है, नाम है स्टैडल, तो वहीं जाते हैं।
सो फाइनली डिनर हो गया कंप्लीट, अब निकलते हैं घर के लिए। बहुत लेट हो चुका था क्योंकि जो मेरे फ्रेंड था वो खुद ही नहीं आया था, हम लोग पहले पहुंच चुके थे। अब खाना हो गया ख़त्म, अब जल्दी घर निकलना है और निकलते हैं। अभी मैंने गाड़ी का की दे दिया है वैले को, गाड़ी आएगा फिर निकलेंगे यहाँ से, मिलता हूँ थोड़ी देर में। सो गाइस फाइनली मैं आ गया वापस, अभी जस्ट घर पहुँचा हूँ, काफ़ी रात हो गया था। और जैसे आपने देखा शादी में मैम हम लोग बहुत पहले पहुँच गए थे, बट दूल्हा है तो लेट से थोड़ा आता ही है, तो बहुत ही लेट से आई थिंक एक घंटे बाद ही दोनों आए थे, यानी हस्बैंड और वाइफ। अभी जस्ट हम लोग घर पहुँचे हैं और अभी ऑलमोस्ट टाइम हो रहा है 10। तो सो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। सो वॉक हार्ड एंड अनलॉक योर लाइफ। Adiós.